हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं हाउस वायरिंग एक रूम का वायरिंग करना बताएंगे कि वायरिंग कैसे होता है। दो ट्यूबलाइट और दो नाइट लाइट का वायरिंग कैसे होता है। तो हमारे पास दो ट्यूबलाइट हैं और दो बल्ब हैं 0 वाट का। तो चलिए दोस्तों, अब वायरिंग कर लेते हैं ट्यूबलाइट एंड बल्ब का वायरिंग। तो ये दोस्तों एक रूम का वायरिंग हो रहा है। ये दोस्तों हम न्यूट्रल लगा रहे हैं, पहले न्यूट्रल, पहले चारों का न्यूट्रल कर देते हैं, उसके बाद चारों में फेस, उसके बाद स्विच बोर्ड। तो दोस्तों हमारी न्यूट्रल की वायरिंग होगी। न्यूट्रल हमारा मेन वहाँ से आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे दिए, यहाँ से फिर न्यूट्रल उठा के यहाँ, यहाँ से एक ये बल्ब में जा रहा है, फिर ट्यूबलाइट में जा रहा है, फिर उसके बाद बल्ब में, बल्ब से फिर ट्यूबलाइट में। तो न्यूट्रल का काम हो गया हमारा। अब देते हैं फेस, फेस देखते हैं कहाँ से ले जाएंगे। तो दोस्तों फेस के लिए हम बोर्ड का कनेक्शन बना रहे हैं, चारों स्विच का कनेक्शन पहले बना लेते हैं बोर्ड में। हमारे पास एक सिंगल वायर है, इससे हम चारों स्विच का कनेक्शन बनाएंगे लूप करके। तो दोस्तों हमारा चारों स्विच का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हुआ है। अब फेस हम देते हैं ट्यूबलाइट यानी बल्ब को। हम फर्स्ट ट्यूबलाइट को फर्स्ट स्विच में फेस के लिए दे रहा हूँ। बस ये हमारा फर्स्ट ट्यूबलाइट का कनेक्शन हो चुका है। ये हमारा दूसरी ट्यूबलाइट का दूसरा फेस, ये हमारा दूसरी ट्यूबलाइट में जाएगा, ये वाली में, दूसरे स्विच से। दोस्तों अब हमारा तीसरे स्विच से रेड बल्ब के लिए, तीसरे बल्ब के लिए हमारा फेस जाएगा। तो हम बल्ब से कनेक्शन कर रहे हैं स्विच में से। तो अब हमारा लास्ट बल्ब और लास्ट स्विच, ये हमारा येलो बल्ब के लिए जाएगा फेस। चौथे स्विच से दूसरे बल्ब पे फेस जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ कि न्यूट्रल हमने कहाँ से लिया और फेस कहाँ से लिया। तो हम पहले न्यूट्रल बता रहे हैं आपको। दोस्तों न्यूट्रल हमने यहाँ पे, मेन हमारा न्यूट्रल यहाँ आएगा सॉकेट में, सॉकेट से फिर मैं बल्ब में, बल्ब से फिर न्यूट्रल यहाँ पे ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट से फिर बल्ब में जाएगा, फिर बल्ब से ट्यूबलाइट से। तो ऐसे में हमारा न्यूट्रल चारों का हो गया। अब हम फेस लेंगे। सारा फेस ये चारों स्विच में आ गया है, चारों लाइटों का। हमने मेन वाला फेस यहाँ पे दे दिया बीच स्विच में, उसके बाद फिर हमने यहाँ से फेस, एक इधर इसका फेस, दूसरा फिर ट्यूबलाइट का, तीसरा बल्ब का, फिर चौथा ट्यूबलाइट का। तो चारों बल्ब में अलग अलग स्विच में नीचे वाले हिस्से में हमने फेस दे दिया। तो दोस्तों हमारा जो स्विच होता है, स्विच के नीचे वाले हिस्से में हमारा मेन फेस रहता है इसमें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से से आउट होता है, मतलब इन और यहाँ पे आउट। चलिए दोस्तों हम आपको इसको, अब वायरिंग हमारी कम्प्लीट हो गई, तो अब हम इसको लोड देके देखते हैं, लाइन देके। तो हमारा ये न्यूट्रल फेस है, इसमें हमने 2 पिन का प्लग लगा लिया है, क्योंकि हमारे पास एमसीबी बॉक्स से हमने नहीं लिया, हमने डायरेक्ट लिया न्यूट्रल फेस। तो हमने 2 पिन का, 2 पिन का प्लग लगा लिया है। तो हम लगाते हैं प्लग, ये हमने प्लग लगा दिया। अब हम एक ऑन करके दिखाते हैं। फर्स्ट में हमने लगाया था ट्यूबलाइट, तो हमारी ट्यूबलाइट वर्क कर रही है। सेकेंड में क्या लगाया, हमारा दूसरा है ट्यूबलाइट, तो दूसरा है हमारा स्विच ऑन करेंगे, तो ऑन करो, ये हमने ऑन किया, ये ट्यूबलाइट जल गया हमारा, ये भी हमारा वर्क कर रहा है। अब तीसरा है बल्ब, तीसरा बल्ब, ये हमारा बल्ब वर्क कर रहा है। और चौथा भी है हमारा बल्ब है येलो वाला, ये देखो हमारा येलो वाला भी बल्ब काम कर रहा है। ये हमारी एक रूम की वायरिंग करके तैयार कर दी हमने। तो दोस्तों ऐसे वायरिंग होती है। तो दोस्तों हमारा ये है एक रूम का वायरिंग। ये हमारे एक रूम में चार लाइट लगाए हैं और एक सॉकेट। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।